हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग कि क्या 2021 में आपकी शादी होगी, और होगी तो किससे होगी, आपका पर्सन कैसा होगा, एंड आप दोनों का बॉन्ड कैसा रहेगा, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ। तो हमारे सामने दो कार्ड्स हैं। दिस इज़ कार्ड नंबर वन, रेनबो ब्लेसिंग्स, एंड दिस इज़ कार्ड नंबर टू, मिरेकल्स। तो आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से कोई सा भी कार्ड पिक कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम आपके लिए कार्ड्स पुल करेंगे हर पाइल के लिए, और हम आपके लिए कुछ ट्रिक्स भी पुल करेंगे। तो चलिए गाइज, हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फॉर दी कार्ड नंबर वन। हाय गाइज, जिन्होंने भी कार्ड नंबर वन चूज़ किया है, रेनबो ब्लेसिंग्स, लेट्स सी कि क्या आपकी शादी इस साल होगी। एंड गाइज, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो आई होप कि आपके साथ रेजोनेट करे। सो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो आपके लिए हम पहले कुछ कार्ड्स पुल करते हैं, और हम पहले चेक करते हैं कि क्या आपकी शादी इस साल होगी, क्या आपकी शादी 2021 में होगी, पॉसिबल है आपकी शादी इस साल होनी। चलिए, सो विल द पीपल हु चूज पाइल नंबर वन गेट मैरिड दिस ईयर। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ओके, वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव मैजिशियन। वाओ गाइस, लवली, इन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्टार कार्ड। सबसे पहले तो आई थिंक जिन्होंने भी ये वाली पाइल चूज करी है, आई थिंक गाइस आप लोग काफ़ी परेशान हैं अपनी शादी को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, या अपनी लाइफ को लेके, बिकॉज़ यहाँ पे कार्ड आया है नाइन ऑफ सोर्ड्स। आप लोग शायद रात को सो नहीं पाते हैं, आप लोग काफ़ी मेंटली बहुत परेशान चल रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, या फिर अपनी लाइफ को लेके कि आपकी शादी कब होगी। बिकॉज आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को जो एक सूटेबल पार्टनर मिल नहीं रहा है, एंड मे बी आप लोगों में से काफ़ी की जो है वो एज निकल रही है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपके पर्सन अगर अभी रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, आप लोग काफ़ी एक बुरे टाइम से गुजर रहे हो अपने रिलेशनशिप वाइज, आप में लड़ाइयाँ हो रही है, आपके बीच में जो बॉन्डिंग है वो सूटेबल नहीं बैठ रही है इस वक्त। तो आप उस वजह से काफ़ी परेशान हो, आप काफ़ी मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हो, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप काफ़ी सोचते हो, आप काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हो। बट आपके लिए जो कार्ड आया है गाइज, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन, इट इंडिकेट्स कि आपके जो भी ट्रबल्स हैं आपकी लाइफ में, जिससे आप अभी फेस कर रहे हो अभी, कि रात को नींद नहीं आना, बहुत ज़्यादा सोचना, सोचना कि मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा भी या नहीं, कोई अच्छा पर्सन मेरी लाइफ में आएगा या नहीं, आपके पास्ट रिलेशनशिप में भी काफ़ी ख़राब रहे हों, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया हो अपने पार्टनर के साथ या अपने एक्सेस के साथ, ऐसा भी हो सकता है, या आप और आपके पर्सन जो हैं अभी, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, आप लोग काफ़ी एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हो अपनी लाइफ में, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, कास्ट इश्यूज हो, रिलीजन इश्यूज हो, एनीथिंग। बट आई थिंक उस चीज़ में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, आपकी जो भी विशेज है, बिल्कुल वो यूनिवर्स इस ईयर पूरा करेगा। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं आपकी लाइफ में बिल्कुल एक ऐसे ही किसी ब्यूटिफुल अच्छे इंसान की एंट्री होगी। एंड आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों की इस साल शादी होगी, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया है, दिस इज अ मेजर काना कार्ड, मैजिशियन कार्ड। तो डेफिनेटली आपकी इस साल शादी होगी। आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा इनिशियली, लाइक 2 to 3 months, बट आफ्टर दैट आई थिंक ऑन अ लॉन्ग रन आई थिंक आप लोगों की शादी बिल्कुल होगी, बिकॉज यहाँ पे इतने अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, और यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स जो है वो रिवर्स है। तो बिल्कुल, तो आप लोगों की जो ये स्लीपलेस नाइट्स हैं, और आप लोग जो काफ़ी इतना स्ट्रगल कर रहे हो, सोच रहे हो, परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, उस फेज से बिल्कुल आप बाहर निकलोगे, तो आपका जो स्ट्रगलिंग फेज है ये ख़त्म हो जाएगा गाइज इस साल, बिकॉज यहाँ पे मेजर काना कार्ड्स, आपकी लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट आने वाला है, एंड कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ पर एंट्री ले सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर से भी शादी कर सकते हो, वो आपको एक बिग प्रपोजल भी दे सकता है इस साल। सो डेफिनेटली आप लोगों की शादी जो है वो इस साल होगी। अगर आप लोगों की एज हो गई है शादी की, तो बिल्कुल आपकी शादी जो है वो इस साल डेफिनेटली होगी फॉर मेनी ऑफ यू। चलिए गाइज, हम आपके लिए अब कार्ड्स पुल करते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके पर्सन जो होंगे वो कैसे होंगे। सो हाउ विल बी योर पर्सन,
लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर यू. हाउ विल बी योर पर्सन, आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, कैसी होंगी. काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं इधर. ओके, यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स. सो बिल्कुल आपके पर्सन जो होंगे वो बहुत हार्डवर्किंग होंगे. उनका जो मेजर जो उनका ध्यान होगा वो अपने वर्क पे, अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा होगा. किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन काफ़ी इमोशनली अटैच्ड होंगे आपसे. आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं. आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी होगी वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कि आप देख रहे हैं, किंग की तरह बिल्कुल. अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जीना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे ड्रेसअप होना और डिसीजंस लेना अपनी लाइफ में, उस तरह की उनकी पर्सनालिटी होगी. और यहाँ पे कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स. तो आई थिंक आपके पर्सन थोड़े से कन्फ्यूजिंग टाइप होंगे कि वो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते होंगे चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को लेके. या मे बी अगर आप लोग इस यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन राइट नाउ, तो आपके पर्सन कन्फ्यूज हैं अभी इस रिलेशनशिप को लेके. ऐसा भी हो सकता है कि शादी करनी है नहीं करनी है आपसे, इस तरह से तो कुछ कन्फ्लिक्टेड है. यहाँ पे है गाइस सेवन ऑफ पेंटिकल्स. तो ऑफकोर्स आपके पर्सन जो होंगे काफ़ी सोच विचार करने वाले होंगे, चीज़ों करने से पहले काफ़ी सोचते होंगे, कंटेम्पलेट करते होंगे. ऑफकोर्स उनका जो मेजर जो उनका फोकस होगा अपनी लाइफ में वो करियर पे होगा, फाइनेंसिस पे होगा, अपने पेंटिकल्स पे होगा, अपनी वर्क लाइफ पे होगा. एंड वो काफ़ी हार्डवर्क करते होंगे अपने करियर को लेके, अपने मनी को लेके. बट आई थिंक आपके जो पर्सन होंगे वो आपसे काफ़ी इमोशनली अटैच होंगे, बिकॉज यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का. आपके पर्सन जो है काफ़ी आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट जो है आपकी लाइफ की, जो आपने आई थिंक जो अपना स्ट्रगल किया इतना टाइम से, ये पर्सन जो है आके आपकी कप ऑफ लव जो है उसको भर देगा. आपके पर्सन आई थिंक अभी थोड़े से क्रॉस रोड्स पे हैं, कन्फ्यूज हैं, बट डेफिनेटली वो डिसीजन लेंगे आपके लिए. यहाँ पे कार्ड टू ऑफ वॉन्ट्स का. तो बिल्कुल आपके पर्सन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं आपके साथ, एंड आई थिंक आप दोनों के बीच में एक गैप है दूसरे सिटी, स्टेट, कंट्री का. एंड आपके पर्सन आई थिंक दूसरे कंट्री में रहते हैं, आई थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे ग्लोब है. यहाँ पे ग्लोब है, आई थिंक आपके पर्सन जो है वो दूसरे कंट्री में रहते हैं फॉर मेनी ऑफ यू. एंड आपके पर्सन और आपने जो है काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम देखा है अपने रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा फील हो रहा है. और आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है रिलेशनशिप में इसको वर्कआउट करवाने के लिए. तो अब वो टाइम आ गया कि यूनिवर्स जो है वो आपको एक ब्लेसिंग देगा. आपके पर्सन आई थिंक आपसे मिलने आ सकते हैं इस साल, एंड देन यू कैन गेट मैरिड. आपके पर्सन जो होंगे वो बहुत पैशनेट होंगे आपको लेके, और बहुत पीसफुल भी होंगे. आपके पर्सन जितने पैशनेट होंगे उतने पीसफुल भी होंगे. यहाँ पे कार्ड है गाइस क्वीन ऑफ कप्स का. तो हमारे पास किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों कार्ड है. तो बिल्कुल आई थिंक आप लोग मे बी अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, या आप लोग डील कर रहे हो ऑलरेडी. तो आपकी शादी बिल्कुल अपने पार्टनर से ही होगी. यहाँ पे कपल कार्ड आया है. तो आप दोनों का जो बॉन्ड है ना गाइस, भले ही आपके पर्सन जो हैं वो दुनिया के लिए ऐसे हों कि यू नो एक प्रैक्टिकल इंसान, एक ग्राउंडेड इंसान, एक जो फोकसिंग ऑन करियर एंड एवरीथिंग, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे. आप दोनों के बीच का इमोशनल बॉन्ड जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा. आप दोनों एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करते होंगे, वो आपको काफ़ी प्यार करेंगे, काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे. एंड आई थिंक आपके पर्सन और आप डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो अभी, या फिर ये पर्सन जो है आपको शादी के बाद आप जहाँ रहते हैं उस जगह से काफ़ी दूर लेके जाने वाले हैं. बिकॉज यहाँ पे कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे कार्ड है द किंग कार्ड. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीछे आपको शिप्स दिख रही. तो बिल्कुल आई थिंक ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, ट्रैवल करके मिलने आएंगे आपसे ये पर्सन. एंड आपके पर्सन जो हैं इस वक्त शायद थोड़े इनडिसाइसिव हैं, या आपकी लाइफ इस तरह से है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है. बट डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है एक बहुत ही लविंग पर्सन की एंट्री होगी. आपकी जो वाइफ होगी वो बहुत केयरिंग होगी, बहुत लविंग होगी, बहुत नर्चरिंग होगी, और पूरी फैमिली का बहुत ख्याल रखने वाली होगी. और आपके पर्सन जो होंगे बिल्कुल बहुत इमोशनल अटैचमेंट जो होगा उनका आपसे वैसा होगा. और आप दोनों जो होंगे बहुत यू नो एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, बिकॉज यहाँ पे किंग और क्वीन का कार्ड है. तो आप लोग बिल्कुल यू विल लिव लाइक अ किंग एंड क्वीन, कि आपको कुछ कमी नहीं होगी फाइनेंसेस की, अच्छी लाइफस्टाइल की. यू विल लिव लाइफ किंग साइज, इसको हम कहते हैं. बिल्कुल आपकी लाइफ में जो है कमी किसी चीज़ की नहीं होगी, और आप लोग काफ़ी एक दूसरे को जो है इमोशनली फुलफिल करने वाले हो. बिकॉज अगर आप लोग अरेंज मैरिज कर रहे हो, आप में से काफ़ी लोग, और आप सोच रहे हो कि यू नो आपको कोई होप नहीं है लाइफ में, आपके पर्सन से आपका ब्रेकअप हो गया है, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ये आपको इमोशनली बिल्कुल फुलफिल करने वाले हैं,
और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं अभी विथ योर पर्सन, तो अभी आप लोगों के बीच में अगर क्रॉस रोड्स चल रही हैं कि किसको चूज़ करें और शादी कब होगी इस तरह से, तो बिल्कुल आप लोग की जब शादी होगी तो आप लोगों का बॉन्ड जो है काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड में आप होने वाले हो। यहाँ पे कार्ड है द डेविल कार्ड, सो गाइज आप लोगों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, फिजिकली भी बोल लो इमोशनली भी बोल लो, वो बहुत ज़्यादा होगा। आप लोग काफ़ी इंटीमेसी फील करोगे विथ ईच अदर, बिकॉज यहाँ पे कार्ड है द डेविल, तो आप लोगों के बीच में अलग सा ही कनेक्शन होगा। जैसे कि यू नो जैसे कि आप दोनों को बिल्कुल एक दूसरे दूर रहना पसंद नहीं होगा, इस तरह की आपकी फीलिंग होगी, बट आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ये जो दो लोग हैं यहाँ पे ये चेन से बंधे हुए हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल इसी तरह से आप एक दूसरे से हमेशा अटैच्ड और एकदम बंधावा फील करोगे एक दूसरे के साथ। एक इनविजिबल बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में और काफ़ी अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में ऑन अ मेजर लेवल, और वो अट्रैक्शन शादी के बाद भी ख़त्म नहीं होने वाला है, बिकॉज आप लोग काफ़ी अटैच होगे, इमोशनली भी अटैच हो बिकॉज यहाँ पे कप्स का कार्ड है, एंड आप लोग फिजिकली भी काफ़ी अट्रैक्टेड होगे टूवर्ड्स योर पार्टनर। यहाँ पे कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, तो आई टोल्ड यू कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप शादी के बाद रिलोकेट कर सकते हो विथ योर पार्टनर उनके नेटिव प्लेस पे, एंड या फिर वो आपसे मिलने आ सकते हैं, एंड आप लोग अपने इस पर्सन से ऑनलाइन भी मिल सकते हो थ्रू सोशल नेटवर्किंग और एनीथिंग। यहाँ पे कार्ड है द मून, तो अभी आई थिंक इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ऐसे कुछ इशू हो सकते हैं, या आप लोग जनरली परेशान हो बिकॉज थिंग्स जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। बट यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है द सन, सो गाइज यहाँ पे द सन का भी कार्ड है, द मून का भी कार्ड है, सो आई थिंक आप लोग बिल्कुल एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या आने वाले हो, बिकॉज यहाँ पे कपल कार्ड्स आए और आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ में आएंगे, तो ये आपके पर्सन जो है ये आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर देंगे और आपकी लाइफ में सनलाइट लेके आने वाले हैं। ये पर्सन आपसे बहुत अटैच्ड होंगे, आपका बहुत ध्यान रखेंगे, आपका बहुत ख्याल रखेंगे, एंड ये पर्सन जो है आपको लाइफ की सारी हैप्पीनेस देने वाले हैं। देख रहे हैं आप कितना आप इंजॉय करोगे इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को डेफिनेटली अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी लाइफस्टाइल जीना, यू नो अच्छे से रहना, और ये पर्सन आई थिंक काफ़ी रिच भी होंगे बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड, तो ये पर्सन काफ़ी रिच होंगे, अच्छी फैमिली से होंगे, इनका बैकग्राउंड जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ये डिसीजंस काफ़ी अच्छे लेते होंगे अपनी लाइफ में, चाहे मतलब हस्बैंड या वाइफ जो भी, इसके लिए आप देख रहे हैं वीडियो, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी इस पर्सन की, बिकॉज यहाँ पे कार्ड है किंग और क्वीन, तो ये पर्सन जो है बिल्कुल बिल्कुल दिल और दिमाग से दे विल टेक डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट दिस लाइफ, लेकिन आप इस पर्सन के साथ बहुत इंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ। नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी इस पर्सन के साथ, आपका बॉन्ड कैसा रहेगा, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा विथ योर पार्टनर। पाइल नंबर वन, लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर यू। ओके पाइल नंबर वन, ओके सो वी हैव डीप नोइंग, तो इस पर्सन के साथ आप काफ़ी डीपली कनेक्टेड होगे और आप काफ़ी नई चीज़ें सीखोगे इस पर्सन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, आप इस पर्सन को जानोगे स्लोली एंड स्टेडीली, आप इस पर्सन को जानोगे और आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हो इस पर्सन के साथ, आप नई चीज़ें सीखने वाले हो, आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हो विथ दिस पर्सन। ओके एंड देन वी हैव द थिंकर, तो ये पर्सन थोड़े से ओवर थिंकिंग टाइप होंगे बिकॉज यहाँ पे कार्ड भी आया था टू ऑफ सोर्ड्स का, तो ये पर्सन काफ़ी सोचने वाले पर्सन होंगे, डिसीजन लेने से पहले काफ़ी सोचते होंगे, या ये आपके बारे में सोचें काफ़ी कि आप शादी करनी है नहीं करनी है, तो बिल्कुल सोच विचार करके ही पूरा ये डिसीजन लेंगे आपके लिए कि येस दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर लाइफ विथ यू। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। सो वी हैव नो प्लेस लाइक होम, तो बिल्कुल ये पर्सन और आप मिलके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा होम बनाने वाले हो, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीने वाले हो, और आप दोनों मिलके एक बहुत ही प्यारी सी लाइफ जो है अपने लिए खुद बनाने वाले हो। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हायर पावर, तो बिल्कुल आपका जो रिलेशनशिप है इट विल बी प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, बाय गॉड, बाय स्पिरिट्स, और आप लोग काफ़ी अच्छा फील करोगे विद दिस पर्सन। यहाँ पे कार्ड है ट्रायम्फ, तो बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं अभी इस पर्सन के साथ, तो एक्शन लेंगे आपके लिए, पर्सन काफ़ी एक्टिव होंगे, काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल होगी इनकी, और ये पर्सन जो होंगे डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं आपके साथ, बिकॉज ये चैरियट का कार्ड है। ओ माय गॉड वी हैव हार्मनी कार्ड, तो यहाँ पे कितने सारे कपल कार्ड्स आएंगे गाइस, तो बिल्कुल इनका और आपका जो बॉन्ड होगा
वो बहुत डीप होने वाला है, आप लोग बहुत इमोशनल लेवल पे बहुत कनेक्ट करने वाले हो अपने पर्सन के साथ, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे, आई मीन जो भी चैलेंजेस आए लाइफ में ये पर्सन आपसे कभी प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए इतना अट्रैक्टेड फील करेंगे गाइस, बहुत ही अट्रैक्टेड। यहाँ पे साइंस है कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइसेस, या वी हैव दीज साइंस। चलिए अब हम निकालते हैं आपके पर्सन कैसे होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव हार्ड वर्किंग। तो मैंने कहा था कि पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग होंगे अपने फाइनेंसेस को लेके, ये बहुत इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में। देन वी हैव ब्यूटीफुल स्माइल, तो उनकी स्माइल काफ़ी ब्यूटीफुल होगी गाइस। देन वी हैव एक्स, तो आप में से काफ़ी लोग जो है अभी, इफ़ यू आर डीलिंग विथ एनी पर्सन, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है अपने पर्सन के साथ, आप लोग सोच रहे हैं कि हमारी शादी होगी नहीं होगी, आप लोग परेशान हो, तो बिल्कुल ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से एंट्री ले सकते हैं जो आपके एक्स हैं काफ़ी लोगों के लिए। देन वी हैव ब्यूटी, मेकअप, लुक्स। तो ये मैंने कहा था कि आपके पर्सन जो होंगे काफ़ी लुक्स पे ध्यान देते होंगे, उनका उनको अच्छे कपड़े पहनना, तैयार होके रहना काफ़ी पसंद होगा। देन वी हैव हैंडसम, तो आपके पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी आपकी वाइफ के। वी हैव फैट, तो आपके पर्सन थोड़े से फैट हो सकते हैं या आपसे ज़्यादा फैट हो सकते हैं, और आप में से कुछ लोगों के पर्सन स्लिम भी हो सकते हैं, या आप स्लिम हो और वो फैट हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ये भी हो सकता है। देन वी हैव रिच, तो ऑफकोर्स यहाँ पे पेंटिकल्स की कार्ड तो काफ़ी है, तो आपके पर्सन रिच भी होंगे, आपके पर्सन अच्छी लाइफस्टाइल जीते होंगे, बिल्कुल इस तरह से होंगे। चलिए हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन बोलेंगे यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, तो आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पॉजिटिव बनाओगे आफ्टर मैरिज। सेकेंड इज यू लुक डीप इन टू माई आईज, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस पिक, देख रहे हैं आप, आपका बॉन्ड इतना ही स्ट्रॉन्ग, आप लोग एक दूसरे की आंखों में देखना पसंद करोगे। ओके, एंड देन वी हैव यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, तो आपके पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, काफ़ी स्मार्ट होंगे। And then we have, you respect me as a person, तो आपके पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे या आप भी उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे। चलिए हम लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आया। सो आपकी बिल्कुल शादी होगी इस साल, और जैसा आप लाइफ पार्टनर आपको चाहिए बिल्कुल वैसे ही पर्सन से होगी आपकी शादी। Then we have the sun card. The golden energy of the sun brings fame and fortune. तो guys आपके लिए यहाँ पे दो cards आए हैं, दोनों sun cards हैं आपके लिए, तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये positivity, ये happiness आपकी life में आ रही है, और ये जो sun rainbow blessings जो बिल्कुल आपने card choose किया है ना guys, ये आपको मिलेगी इस साल। यहाँ पे card है blessings are showering in your life, तो बिल्कुल ये blessings, ये rainbow blessings आपको इस साल मिल रही है। So congratulations pile number one. Please do like, share, subscribe. Thank you. हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी मिरेकल्स का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में इस साल क्या मिरेकल्स होने वाले हैं, और क्या आपकी शादी इस साल होगी या नहीं होगी, हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स पुल करते हैं टू चेक कि क्या आपकी शादी इस साल 2021 में होगी या नहीं होगी। सो ओके, लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर यू। सो विल यू गेट मैरिड इन 2021, ग्रुप नंबर टू। ओके, सो हमारे पास है क्वीन, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, आई थिंक गाइज आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी स्टक फील कर रहे हो अभी। यहाँ पे कार्ड है थ्री ऑफ कप्स का, आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी स्टक फील कर रहे हो अभी बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन या बिकॉज ऑफ सम पर्सन, या आप लोग काफ़ी जनरली परेशान हो, आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, जो कोई खुशी आपकी लाइफ में नहीं आएगी, या आप लोग जनरली यू नो आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, या आप काफ़ी अब आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को कि जो होगा वो होगा, और आप अपनी लाइफ में आई थिंक आप खो चुके हो,
बट गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं वो इस साल बिल्कुल आएगी, बिकॉज आपके लिए कार्ड है द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। तो आपकी शादी इस साल, आप में से काफ़ी लोगों की शादी इस साल बिल्कुल होगी, ज़रूर होगी, बिकॉज आप लोग बिल्कुल सेलिब्रेट करोगे। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो अगर आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, आपको किसी पर्सन का वेट था, तो बिल्कुल वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से एंट्री ले सकते हैं, वापस आ सकते हैं। अगर उनकी शादी नहीं हुई तो बिल्कुल वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, वो एंट्री ले सकते हैं। और आपको जो ये ब्यूटीफुल हैप्पीनेस है द एम्प्रेस, ये जो हैप्पीनेस है आपको बिल्कुल ऐसी हैप्पीनेस जो अपनी लाइफ में मिल सकती है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए अभी अपनी लाइफ में, बिकॉज आगे आपकी लाइफ में जो इस साल आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हो, आप लोगों की शादी बिल्कुल होगी आप में से काफ़ी लोगों की, एंड आपके जो ड्रीम्स हैं, जो विशेज़ हैं वो पूरे होंगे। आपको सक्सेस अपने रिलेशनशिप में, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, बिल्कुल ये सक्सेस जो है आपको मिलने वाली है। अब देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके जो पर्सन होंगे, पर्सन होंगी वो कैसे होंगे। सो हाउ विल बी योर लाइफ पार्टनर, हाउ विल बी योर पर्सन। ओके, पार्टनर फॉर पाइल नंबर टू, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए गाइस, एक सेकंड। सो आई विल बी द पार्टनर ऑफ पाइल नंबर टू। सो वी हैव वन कार्ड द मून। तो आई थिंक आप में से काफ़ी लोग अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, अगर आप डील कर रहे हो उस पर्सन के साथ ऑलरेडी और आप काफ़ी परेशान हो विद दिस पर्सन, या फिर ये पर्सन जो है काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, सो बिल्कुल आपके जो पार्टनर होंगे उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल किंग और क्वीन जैसी होगी, और वो काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे आपके पर्सन। आपके पर्सन की डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो बहुत अच्छी होगी। आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है गाइस हाई प्रीस्टेस का, तो आपके पर्सन जो होंगे वो काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। आपके पर्सन काफ़ी चीज़ों को छुपाने वाले ऐसे पर्सन होंगे, आपके पर्सन इतनी इजीली जो है आपके साथ ओपन अप नहीं करेंगे, वो चीज़ें आप थोड़ी हाइड करेंगे, अपने इमोशंस हाइड करेंगे इनिशियली, सब कुछ जो है आपके सामने वो शो नहीं करेंगे इनिशियली, बिकॉज मे बी उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप वाइज वो इतना अच्छा नहीं रहा है, इस वजह से वो डरते हैं, या जनरली दे विल टेक टाइम टू ओपन अप विथ यू। टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आई थिंक थोड़े जगलिंग टाइप होंगे, वो जगल करेंगे बिटवीन देयर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, या आपके पर्सन अभी जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। आई थिंक आपके पर्सन का जो पास्ट है वो काफ़ी बुरा रहा है, बिकॉज आप फाइव ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो आपके पर्सन का पास्ट काफ़ी ख़राब रहा है। मे बी उनको लव लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है, या जनरली उनका फैमिली वाइज जो उनका जो पास्ट रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, तो इस वजह से वो काफ़ी वल्नरेबल होने से डरते हैं, वो काफ़ी चीज़ों को ओपन इतना नहीं होते हैं इमोशनली किसी भी पर्सन से नहीं होंगे, बट विथ टाइम जब आप उनको अपना प्यार दोगे, अटैचमेंट आप शो करोगे, तो बिल्कुल वो आपके साथ ओपन होंगे, वो सब कुछ शेयर करेंगे। वो काफ़ी कन्फ्यूजन में होंगे इनिशियली, बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, टू ऑफ सोर्ड्स भी है, तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन में होंगे इनिशियली कि यू नो डिसीजन वाइज लेने में काफ़ी टाइम लेते होंगे और काफ़ी जगल करते होंगे, या आपको लेके वो काफ़ी कन्फ्यूजन में होंगे इनिशियली कि यू नो आपके साथ किस तरह का बॉन्ड उन्हें रखना चाहिए, और आपको आपके साथ जो है सबको शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ों को लेकर उनकी लाइफ में कन्फ्यूजन चल रहा होगा अभी, या चलेगा थोड़ा टाइम आगे, बट जब वो देखेंगे आपको कि आप कितने अटैच्ड हो उनसे, आप कितने लविंग हो उनके, तो बिल्कुल वो आपकी तरफ, आपको बिल्कुल दे विल ट्रीट यू लाइक अ क्वीन और अ किंग। बट आई थिंक आपके पर्सन का पास्ट जो है वो काफ़ी ख़राब रहा है, बिकॉज यहाँ फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पर्सन पास्ट में उन्हें या तो कुछ लॉस हुआ है इमोशनली वाइज, मेरे को लॉस दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये पर्सन इस पिक में काफ़ी अपसेट लग रहा है। बट जब आप अपने पर्सन को प्यार दोगे, अटैचमेंट दोगे, तो पर्सन इस एनर्जी से निकल के, फाइव ऑफ कप्स से निकल के बिल्कुल इस एनर्जी में आने वाले। आपके पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, आपके पर्सन को अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, यू नो अच्छे लाइफ स्टाइल रखना काफ़ी पसंद होगा। आपके पर्सन ने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए अपनी लाइफ में,
आई फील मनी वाइज भी, इमोशनली भी, और उन्होंने अपने आप को काफ़ी स्ट्रगल करके जो है बाहर निकाला है। यहाँ पे कार्ड है द डेथ कार्ड एंड ऑफ कोर्स 8 ऑफ कप्स। तो यस, मैंने कहा था कि आपके पर्सन काफ़ी हर्टेड थे इन द पास्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस और एनीथिंग, या फिर अगर ये पर्सन वो है जिनसे आप डील कर रहे हैं अभी, तो आप दोनों के बीच में अभी रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, आप लोगों का शायद ब्रेकअप हो चुका है, आप होप अपनी खो चुके हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों के जो पर्सन उन्हें छोड़ के चले गए हैं, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, और आप अपनी लाइफ में सारी होप जो है वो खो चुके हो कि आपकी लाइफ में वो पर्सन, आपके जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, लवर है, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। बट यहाँ पे कार्ड है गाइज डेथ कार्ड, तो आपकी लाइफ में ये ट्रांजिशन आ रहा है, आपकी लाइफ में जो भी बुरी मेमोरीज थी रिलेशनशिप वाइज वो सब पीछे छूट रही है, और आप एक फिर से न्यू स्टार्टिंग ले रहे हो अपने पर्सन के साथ। आपके पर्सन जो है वो फिर से आपके पास आ रहे हैं ये न्यू स्टार्टिंग लेने, आपको ये न्यू ऑफर देने, आपके साथ कम्युनिकेट करने, आपको क्लैरिटी देने इस रिलेशनशिप के बारे में। आई थिंक आपके पर्सन थोड़े से कन्फ्यूज हैं अभी, जगल कर रहे हैं अपनी वर्क लाइफ में और आपके बीच में, या तो या फिर वो आपको लगे कन्फ्यूज हैं कि शादी करनी है नहीं करनी है। बट डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे, वो आपको चूज़ करेंगे, एंड आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको कॉल करेंगे अगर वो कॉन्टैक्ट में नहीं है। आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे वो इनिशियली आपसे कुछ चीज़ें छुपाएंगे, अपने इमोशंस फीलिंग्स हाइड करेंगे। आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल होंगे, वो गॉड में, एंजल्स में, डिवाइन में बहुत बिलीव करते होंगे। आपके पर्सन अच्छी फैमिली से होंगे, काफ़ी अच्छी रिच फैमिली से होंगे। आपके पर्सन बहुत बैलेंस पर्सन होंगे, उनको हर चीज़ बहुत ही बैलेंस में पसंद आती होगी। इमोशनल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ वो हमेशा बैलेंस में रखना पसंद करते होंगे। आपके पर्सन को आई थिंक बहुत इमोशनल लव की ज़रूरत है, या आपको बहुत ज़रूरत है, और आपके पर्सन होंगे वो आपको बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट देंगे आफ्टर मैरिज, बिकॉज आप या आपके पार्टनर जो हैं वो उनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा है, या तो आपका या आपके पर्सन का पास्ट में उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है रिलेशनशिप वाइज, और आपको या आपके पार्टनर को बहुत उम्मीद है एक दूसरे से कि आप एक दूसरे को पूरा कर दोगे। एंड डेफिनेटली आप लोग पूरा करोगे, बिकॉज टाइम लगेगा चीज़ों को बैलेंस आउट होने में, कुछ जगल करना पड़ सकता है स्टार्टिंग में आपको इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में, बट विथ टाइम आप सब कुछ सही कर लोगे। यहाँ पे कार्ड है गाइस द स्टार और द फूल का कार्ड, तो बिल्कुल ये पर्सन काफ़ी बैलेंस पर्सन होंगे, ये पर्सन आपसे काफ़ी इमोशनली अटैच्ड होंगे, पर्सन बहुत इंट्यूटिव होंगे, ये पर्सन ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, उसके बाद उन्हें ये सक्सेस जो है अपनी लाइफ में मिली होगी। ये पर्सन अगर अभी अपनी लो एनर्जीज में है, तो आपसे मिलने के बाद ये बिल्कुल अपनी हैप्पी हैप्पी एनर्जीज में आने वाले हैं, या अगर आप अपनी लो एनर्जीज में हैं तो ये पर्सन जो है वो आपको आपके डिप्रेस्ड फेज से बाहर निकाल के ये आपको आपकी लाइफ में एक चेंज लाएंगे, आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आएंगे, और ये पर्सन आपको बहुत खुश करने वाले हैं शादी के बाद, आपका बहुत ख्याल रखने वाले हैं आपके पर्सन। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो होंगे आपके उनके बीच में ज़्यादा एज गैप नहीं होगा, बिकॉज आपके पर्सन आई थिंक यंग होंगे, टिल 31 32, इससे ज़्यादा उनकी एज नहीं होगी। आपके पर्सन और आपके बीच में एज गैप मेरे को नहीं दिख रहा है। अवेयरनेस कार्ड, तो आपके पर्सन आपको आपकी जो लाइफ है उसकी सारी हैप्पीनेस देंगे बिल्कुल, और वो इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस होंगे, बहुत अवेयर होंगे, सारी हैप्पीनेस देंगे इमोशनल वाइज, पेंटिकल्स वाइज। या कार्ड है मूविंग ऑन, तो आप लोग जो ये डिप्रेस्ड फेज में आप देख रहे हैं, या फिर डिप्रेसिंग कार्ड्स काफ़ी है, तो आप लोग काफ़ी डिप्रेस्ड हैं अभी, आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, आपकी शादी होने वाली है और उनको ये प्यार चाहिए, आपको ये प्यार चाहिए, तो बिल्कुल जब आपकी शादी इस पार्टनर से होगी तो आप अपने इस बैड फेज से निकल के अपनी लाइफ की एक बहुत ब्यूटीफुल फेज में एंटर करने वाले हो, एक सनलाइट में आप जाने वाले हो इस पार्टनर के साथ। ये पर्सन बहुत केयरिंग होंगे, आपका बहुत ख्याल रखेंगे और बहुत अटैच्ड होंगे आपसे। यहाँ पे कार्ड है गाइस ट्रायम्फिक सक्सेस, तो आफ्टर गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी सक्सेस मिल सकती है आपको, कि आपके पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, और रिलेशनशिप जो है अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, इफ़ यू आर इन डीलिंग विथ योर पार्टनर राइट नाउ, तो बिल्कुल ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में फिर से वापस आएंगे और आपको ये सक्सेस ज़रूर देंगे। वो चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, आप
दोनों को ही हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस पॉइंट पे, बिकॉज आई थिंक आप लोग वो खो चुके हो अपना अपनी लाइफ को लेके कि आपकी शादी होगी भी या नहीं होगी। यहाँ पे कार्ड है पीस, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एक पीस लेके आएंगे क्योंकि आप इतने परेशान हो। और ट्रूथ बी टोल्ड, तो अगर आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी, ये पर्सन आपसे अगर बात नहीं कर रहा है तो वो आएगा और अपने फेस से मास्क हटा के आपको अपना सच बताएगा। ये पर्सन बिल्कुल आपकी लाइफ में वापस एंट्री लेंगे अगर आप लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, और अगर आप लोग अरेंज मैरिज कर रहे हो तो बिल्कुल आई थिंक आपको और आपके पार्टनर को जो है वो हीलिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और आप एक दूसरे को हील करोगे। चलिए देखते हैं कि और क्या है फॉर पाइल नंबर टू। तो यहाँ पे पहला कार्ड जो है दैट इज़ हेल्दी, तो आपके पर्सन काफ़ी हेल्दी होंगे या फिटनेस फ्रीक होंगे आपके पर्सन। सेकेंड इज़ वी हैव लव मैरिज, तो आप में से, मैंने कहा था कि आप में से काफ़ी लोग परेशान हो अपने पार्टनर के लिए, आपको छोड़ के चले गए हैं अगर, तो वो वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव मैरिज हो सकती है, तो अपना होप जो है वो मेंटेन रखिए। यहाँ पे कार्ड है ब्राउन हेयर, तो आपके पर्सन के डेफिनेटली ब्राउन हेयर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर जो है वो फेयर हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होगी। आपके पर्सन काफ़ी हैंडसम होंगे, काफ़ी गुड लुकिंग होंगी आपकी पर्सन। देन वी हैव शार्प आइज, तो आपके पर्सन की जो आइज़ है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी, काफ़ी शार्प होंगी। देन वी हैव बिजनेस, तो आपके पर्सन में भी अपना खुद का बिजनेस करते हो, उनका अपना बिजनेस हो, बिजनेस मैन हो वो। ओके लास्ट वी हैव फॉर यू फैट, तो आपके पर्सन आपसे थोड़े से फैट हो सकते हैं, आप स्लिम हो सकते हो, वो फैट हो सकते हैं। लेट्स सी और क्या है हमारे लिए पाइल नंबर टू। ओके वी हैव पावर सिंबल, क्लेंस प्योरीफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी, तो आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, आपको अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना है, आपको डिप्रेस अपसेट नहीं होना है, बिकॉज आगे जो होगा बिल्कुल डिवाइन जो है बिल्कुल सही करेंगे। सेकेंड इज द सन कार्ड, द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्चून, तो आपके लिए सन कार्ड आया है गाइस, तो सन कार्ड इज़ द मोस्ट लकी कार्ड। एंड गाइस आपकी लाइफ में अगर आप होप खो चुके, कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में फिर से सनराइज होगी, आपकी लाइफ में फिर से सब कुछ सही होगा, आपके पर्सन बिल्कुल लौट के आएंगे आपके पास, या फिर अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन की एंट्री होने वाली है। सो गाइज अपना होप जो है वो मत खोइए, मत छोड़िए। लेट्स सी हम आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स पुल करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहने वाले हैं। यू आर जेन्युइन, तो आपके पर्सन बहुत जेन्युइन होंगे, उनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन होगी, या वो आपको बहुत जेन्युइन मानते होंगे। यू आर फनी, आपके पर्सन काफ़ी फनी होंगे, आपको बहुत हंसाएंगे। यू मेक मी फील सिक्योर, तो आप काफ़ी सेफ फील करोगे विथ योर पार्टनर। कैन देन वी हैव यू आर माई होम, तो आपके पर्सन जो है आपको अपना होम मानेंगे, आपको बिल्कुल सारे कंफर्ट देंगे लाइफ के। तो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।